रमल की उस हरकत के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। तुम सुनना क्या चाहती हो? कि तुम नहीं जानती कि मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम हो? क्या अब भी कोई शक है तुम्हें? ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन वो मेरी बहन है, वो ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि वो दिमाग से पागल है, उसे जिंदगी में करना क्या ये तो वो जानती नहीं। प्यार का अलिफ बे तक नहीं मालूम है उसे, बस मुंह उठा के मेरा नाम ले लिया, बेवकूफ कहेंगे। तुम इससे बात करो, बहन है वो मेरी, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। दुश्मन है वो तुम्हारे, तुम्हारा भला कभी नहीं सोच सकती वो, बल्कि उसके हाथों तो किसी का भला नहीं हो सकता। तुम जानती हो मेरा भाई उसकी वजह से कितना दुखी है, बदगुमान हो गया वो मुझसे, उसे लगता है कि मैंने रमल से कोई झूठे वादे किए हैं। मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ, मगर जुनेद तुम दोनों भाइयों के दरमियान दरार नहीं आनी चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम अपनी बहन को समझाओ कि वो अदील से शादी कर ले, वो उसे खुश रखेगा। और उम्मीद, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो प्लीज कह दो उससे जाके। नहीं जुनेद, मैं ऐसा नहीं कह सकती, मेरी बहन पहले ही मुझसे इतनी बदगुमान है कि मैं उससे उसकी खुशियां छीनती हूँ। नहीं रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। उम्मीद मान लो मेरी बात, क्योंकि अगर एक बार रमल अकील से शादी करने के लिए राजी हो गई तो हमारे खानदान के दरमियान जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएंगी, और फिर हम दोनों भी एक हो सकेंगे। प्लीज समझो इस बात को। तुम माजी के बारे में नहीं जानते हो जुनेद, जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन मुझसे मोहब्बत करने पर पछताओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा जिंदा रहेगी। बस तुम एक बार हिम्मत करके मेरा हाथ थाम लो, क्योंकि हमारी मोहब्बत ही इस खानदानी दुश्मनी को खत्म कर सकेगी। जुनेद समझ नहीं रहे, मैं भी तुमसे कोई वादा नहीं कर सकती, मेरे अम्मी और बाबा ने मुझे। तो हम दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों अदील और रमल की शादी करवा देंगे। तुम प्लीज मेरा हाथ थाम दो। देखो उम्मीद, हमारी मोहब्बत ही इस नफरत की जंग को खत्म कर सकती है। जुनेद मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो।